गुड इवनिंग गाइस, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। दोस्तों, बिहार पुलिस में बहुत अच्छी वैकेंसी आई है, तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और जो मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन पे जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूँ उसकी जानकारी आपको हो जाए। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने एडवर्टाइजमेंट खोल के रखा हुआ है, ठीक है, केंद्रीय चयन पार्षद सिपाही भर्ती, ठीक। इसमें वेबसाइट दिया हुआ csbc.bih.nic.in, ठीक है। और इसमें जो आपका इस वैकेंसी जो आई है, टोटल जो है 2380 वैकेंसी है, और इसका जो वेतन आपका 21,700 से लेकर 69,100 तक है, ठीक है। और इसका जो नियुक्ति प्रक्रिया जो स्टार्ट होगी आपका 24/2/2021 से स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है वो इंटर पास आउट होना चाहिए, किसी भी स्ट्रीम से आपका होना चाहिए, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, तीनों में से किसी फील्ड से आप अगर इंटर किए हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसका जो आपका मैट्रिक का जो सर्टिफिकेट है उसी के हिसाब से आपका उम्र इसमें माना जाएगा, ठीक है। और इसका जी लिए जो है हाइट जो मांगा गया है पुरुष के लिए 165 सेंटीमीटर मांगा गया है, और अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष के लिए न्यूनतम जो है 160 सेंटीमीटर मांगा गया है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पुरुषों के लिए न्यूनतम जो है 160 सेंटीमीटर मांगा गया है, और सभी वर्गों के महिलाओं के लिए न्यूनतम जो हाइट मांगा गया है 155 सेंटीमीटर मांगा गया है। इसकी जो नियुक्ति प्रक्रिया है दो चरण में होगी। पहला जो आपका लिखित परीक्षा होगी, जिसमें अब जो आपका एग्ज़ाम होगा लिखित परीक्षा के स्तर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की 10वीं कक्षा अथवा समक्ष स्तर पर होगी। मतलब आपका जो मैट्रिक का लेवल में जो बिहार का जो है बोर्ड, उसका जो मैट्रिक लेवल तक में जो होता है उसी हिसाब से आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक है, उसी तक ही आपको पूछा जाएगा। और उसमें 100 अंकों का आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, ठीक है, और एक अंक उसमें एक क्वेश्चन पे एक अंक रहेगा, ठीक है। इस परीक्षा में जो आपका 10वीं कक्षा का जो के लेवल में ही आपका एग्ज़ाम होगा, तो इसमें जो सब्जेक्ट आपका रहेगा हिंदी रहेगा, इंग्लिश रहेगा, गणित रहेगा, सामाजिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान का इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, फिर आपका जो है विज्ञान, ठीक है, विज्ञान में तीनों रहेगा जैसे भौतिक, रसायन, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, ठीक है। उसके बाद सामान्य ज्ञान है वो समय की मामले से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ठीक है, ये सारा आपका पूछा जाएगा, ठीक है, ये सारा टॉपिक्स है, ठीक है। और इसमें जैसे साफ साफ लिखा गया है कि 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए असफल घोषित किए जाएंगे। मतलब पहला एग्ज़ाम अगर आपने क्वालिफाई नहीं किया, मतलब पहला एग्ज़ाम में आपने अगर 30% मार्क्स अगर नहीं लाया, ठीक है, तो आप लोगों सेकेंड एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, ठीक है, उसके लिए आप लोगों अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और इसका जो द्वितीय चरण है उसमें शारीरिक योग्यता दक्षता परीक्षा, ठीक है, इसमें जो है कुल 100 अंक का होगा, जिसमें दौड़ जो आपका 50 अंक का होगा, ठीक है, और इस सारा इसमें टाइम दिया हुआ है, ठीक है। तो जैसे कि 5 मिनट से कम में 50 अंक मिलेगा आपको, 5 मिनट से लेकर 5 मिनट 20 सेकंड तक आपको 45 अंक मिलेगा, तो इसे 5 मिनट 20 सेकंड से अधिक एवं 5 मिनट 40 सेकंड तक आपको 30 अंक दिया जाएगा, 5 मिनट 40 सेकंड से अधिक तथा 6 मिनट तक आपको 20 अंक दिया जाएगा, ठीक है। फिर आपका दूसरा जो है गोला फेंक, ठीक है, इसमें अधिकतम आपको 25 अंक होगा, ठीक है, इसमें सभी कोटि के पुरुष के लिए 16 पैडों का गोला न्यूनतम 16 फीट फेंकना होगा, ठीक है, 16 फीट 17 फीट तक होगा तो 9 अंक मिलेगा आपको, 17 फीट से लेकर ज़्यादा वो 18 फीट तक रहेगा तो 13 अंक मिलेगा, 18 फीट से ज़्यादा तो 19 फीट तक रहेगा तो आपको 17 अंक दिया जाएगा, ठीक है, और आपका 19 फीट से ज़्यादा 20 फीट तक होगा तो 21 अंक दिया जाएगा, और 20 फीट से ज़्यादा 25 अंक तक होगा तो 25 अंक आपको दिया जाएगा, ठीक है। और तीसरा जो आपका ऊँची कूद, इसमें अधिकतम आपका 25 अंक का होगा, ठीक है, 4 फीट तक का आपका 13 अंक दिया जाएगा, 4 फीट 4 इंच को आपको 17 अंक दिया जाएगा, 4 फीट 8 इंच तक आपको 21 अंक दिया जाएगा, और 5 फीट को 25 अंक दिया जाएगा। इसमें जो विभिन्न कोटि के हिसाब से इसमें दिया गया वैकेंसी, जैसे सामान्य वर्ग का जो है आपका 957 वैकेंसी है, जिसमें पुरुष का आपका 624 वैकेंसी है,
और महिला का 333 वैकेंसी है। फिर आपका दूसरा नंबर जो है आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग, इसका जो है 238 वैकेंसी है, पुरुष के लिए 167 वैकेंसी है और महिला के लिए 71 वैकेंसी है। और तीसरा जो है आपका अनुसूचित जाति जो है 378 वैकेंसी है, जिसमें पुरुष का 237 वैकेंसी है और महिला का 141 वैकेंसी है। चौथा जो आपका है अनुसूचित जनजाति के लिए 23 वैकेंसी है टोटल, इसमें पुरुष के लिए 23 वैकेंसी है। फिर आपका पांचवा जो आपका अत्यंत पिछड़ा वर्ग, इसमें 419 वैकेंसी है, तो इसमें जो पुरुष वर्ग के लिए आपका 257 वैकेंसी है और महिला के लिए 162 वैकेंसी है। और आपका छठा नंबर जो आपका पिछड़ा वर्ग, इसका 268 वैकेंसी है, पुरुष के लिए 179 वैकेंसी है और महिला के लिए 89 वैकेंसी है। और पिछड़े वर्ग की महिला, इसमें कुल रिक्तियाँ 97 है और ठीक है। और आपको जो इसका जो 24 तारीख से ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएगा, आपको ये जो आपका वेबसाइट है www.csbc.pis.nic. ठीक है, इसी पे आपको अप्लाई करना है। ठीक है, इसके लिए जो आपका फीस लिया जाएगा, आपका आवेदन जो आपका 450 रुपये लिया जाएगा। ठीक है, तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र का मूल्य 112 रुपया होगा। ठीक है, मतलब STC का आपका 112 रुपये है और जनरल कैंडिडेट का 450 रुपया लिया जाएगा। ठीक है, और आवेदन करने की अंतिम तिथि जो आपका है 25/3/2021 तक है किया गया। ठीक है, तो इसको भरने से पहले ये एडवर्टाइजमेंट को एक बार बढ़िया से आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और उसके बाद ही आप लोग अप्लाई कीजिएगा। ठीक है, और मैं आशा करता हूँ कि मेरी दी गई द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ठीक है, और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो मेरे चैनल को जो सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के जितने सारे ग्रुप हैं, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, ठीक है, या फेसबुक ग्रुप में, वो सारा को सेंड कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वैकेंसी को भर पाएँ। ठीक है, और इसका फ़ायदा उठा पाएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसका एडवर्टाइजमेंट लिंक मैं कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप लोगों एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड कर लीजिएगा, उसके बाद उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आप लोगों अप्लाई कीजिएगा। ओके, थैंक यू।